अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइव मैं कराची का वेदर, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अब माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का आज बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इतना है कि धूप की तपिश भी कम थी आज और काफ़ी अच्छा मौसम है। मैं आपको छत से लाइव दिखाऊँगी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर राफे जो हैं ये मोबाइल देख रहे हैं और अफान माशाल्लाह ये सो रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ये भी नहीं सो रहा था। अभी मैंने चार्जिंग फ़ैन ऑन करके दिया है इसको और ये सो रहा है। और यहाँ पर जो है टाइम भी जो है शाम का हो रहा है, इस टाइम टाइम हो रहा है। देखते हैं जी टाइम, टाइम 7 बजने वाले हैं और लाइट भी आने वाली है। यहाँ पर जी बेड पे हम आजकल नहीं सो रहे हैं, ना बच्चों को लिटा रही, क्योंकि अफान जो है ना गिर जा रहा था, बार बार गिर रहा था, तो इतना गिरना इसके लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि काले काले बादल हुए हैं और बस किसी भी टाइम ये बादल बरस जाएंगे। खैर के बादल बरसें, क्योंकि कराची में बारिश होना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और एक रहमत भी जहमत बन जाती है, कहते हैं ना। तो कराची में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह ताला बस हिफाजत में रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे। बस इतनी बारिश हो कि मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, बस इसके अलावा कोई नुकसान ना हो, बस फ़ायदा ही लोगों को कि मौसम में थोड़ी बेहतरी आ जाए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं। जो आजकल बीमारियां चल गई हैं कराची में, बहुत ज़्यादा बीमारी है। काफ़ी इलाकों में गर्मी है, मगर बीमारियाँ जो है ना वो कराची में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको फोर्थ फ्लोर से, माशाल्लाह फोर्थ फ्लोर की मतलब थर्ड फ्लोर की छत से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फोर्थ ही लग गया, तो थर्ड फ्लोर की छत ऊपर, उसके भी ऊपर छत से मैं दिखा रही हूँ। कौन कौन इस टाइम कराची का वेदर इंजॉय कर रहा है कमेंट में बताइएगा, और बस लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।